नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी। इन 10 वजहों से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। आइए जानते हैं ये 10 वजह। बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जो लंबे समय से बेबी प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी महिला का गर्भधारण नहीं हो पाता। ऐसे में कपल्स हर वो काम करते हैं जिससे महिला को गर्भधारण हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी महिला का गर्भधारण नहीं हो पाता। लेकिन यह समस्या ऐसी होती है जिसका इलाज घरेलू उपाय से कई बार सफल नहीं हो पाता, क्योंकि महिला के न प्रेग्नेंट होने के बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि कुछ महिलाओं का गर्भधारण न होने की वजह हेल्थ से जुड़ी परेशानी हो सकती है, कुछ महिलाओं के कंसीव न होने की समस्या महिला का गलत लाइफ स्टाइल या गलत आदतें हो सकती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से महिला का गर्भधारण नहीं हो पाता है। नंबर 1, वजन। महिला का वजन जरूरत से ज़्यादा होना या कम होना दोनों ही महिला की फर्टिलिटी पर बुरा असर डालते हैं। ऐसे में यदि आपका वजन जरूरत से ज़्यादा या कम है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, डिप्रेशन यानी तनाव, टेंशन। यदि कोई महिला बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तनाव लेती है, तो इसके कारण महिला के मासिक धर्म चक्र यानी EMC प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से महिला को प्रेगनेंसी न होने की समस्या हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा आज के फैशन के हिसाब से ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना। यदि महिला ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती है, ज़्यादा टाइट पैंटी पहनती है, या पुरुष बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहनता है, ज़्यादा जींस पहनता है, तो इसके कारण भी महिला को प्रेग्नेंट होने में परेशानी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब यह है कि ज़्यादा टाइट पैंटी पहनने से महिला के प्रजनन अंगों पर बुरा असर पड़ता है, और ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहनने या ज़्यादा टाइट जींस ज़्यादा लंबे समय तक पहने रहने के कारण पुरुष के स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। यानी जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी संख्या घटने लगती है हीट होने के कारण, जिसकी वजह से परेशानी होती है। शारीरिक समस्या। कुछ महिलाओं को शारीरिक बीमारियों जैसे कि थायराइड की समस्या, शुगर, फैलोपियन ट्यूब में खराबी, गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उन महिलाओं को भी गर्भधारण करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा गलत लाइफ स्टाइल। गलत लाइफ स्टाइल होने के कारण भी महिला को गर्भधारण न होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि महिला गलत आहार का सेवन करती है, व्यायाम नहीं करती है, ज़रूरत से ज़्यादा या कम सोती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोना या कम सोना दोनों ही दिक्कत करता है, नशीले पदार्थों का सेवन जैसे बीड़ी, सिगरेट इत्यादि, धूम्रपान करना, तो महिला की ये गलत आदतें प्रजनन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती है, क्योंकि इनके कारण बॉडी में हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। ये बात महिला और पुरुष दोनों पर लागू है। अगर दोनों में से कोई भी धूम्रपान करता है तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण महिला को इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा या कम संबंध बनाना ये भी एक कारण होता है। प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि महिला और पुरुष संबंध बनाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि एक महीने में संबंध केवल एक ही बार बनाए जाए या फिर एक दिन में 3 बार बनाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो संबंध बनाने में की गई ये गलतियां भी महिला के गर्भधारण नहीं होने का कारण होती हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर उम्र भी डिपेंड करता है। प्रेग्नेंट होने के लिए उम्र का सही होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन यदि महिला की उम्र ज़्यादा होती है यानी कि 30 साल से ज़्यादा हो रही है तो उम्र अधिक होने के कारण भी महिला का गर्भधारण नहीं हो पाता है या गर्भधारण होने में दिक्कतें होती हैं। जितना उम्र ज़्यादा होता है उतना ही फर्टिलिटी होने में समस्या होती है। अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 30 साल के बाद कोई फर्टिलिटी नहीं होगा, कोई गर्भधारण नहीं होगा, होता है, लेकिन जो चांसेस होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं फर्टिलिटी के। जितना ज़्यादा उम्र ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही फर्टिलिटी की चांसेस कम होने लगते हैं, यानी पुरुष के अंदर भी शुक्राणुओं की संख्या कम होने लगती है उम्र के साथ साथ, और साथ में महिला के अंदर फर्टिलिटी करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है, तो इसके कारण भी दिक्कतें होती हैं। पुरुष में कमी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिला के गर्भवती न होने का कारण केवल महिला ही होती है।
बल्कि बहुत बार पुरुष के कमी के कारण भी होता है। महिला का गर्भ नहीं ठहर पाता क्योंकि यदि पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो, या पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती तो इस कारण भी महिला के अंदर गर्भ नहीं ठहर पाता। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, यानी कि अगर ज़्यादा प्रदूषित जगह पर रह रहे हैं, प्रदूषण ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है तो प्रदूषण की वजह से भी प्रजनन क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से महिला को प्रेग्नेंट होने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आपको भी बहुत कोशिश करने के बाद कंसीव नहीं हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है इसका सही पता चल सके। और केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी अपनी जांच कराएं ताकि यदि पुरुष में कोई कमी है तो उसका भी पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।